राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू मी नाइन फैमिली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 9 बजे से और नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। देखिए, आज मैं बना रही हूँ तंदूरी बैंगन। इनको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है और बस अब इसकी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। तो ये रेसिपी मैंने देखी थी, मैंने कहा चलो आज इसे ट्राई किया जाए। तो बैंगन की एकदम नई रेसिपी है जो आज हम ट्राई करके देख रहे हैं, देखते हैं कैसी बनती है। मसाले वगैरह सब वही हैं तो टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। एक बैंगन का ना कचूमर निकल गया ये हाल हो गया। इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मेरे बैंगन ना काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं पकाते पकाते, जब मैं रोस्ट कर रही थी ना तभी काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। वैसे हमें इन्हें उसी टाइम थोड़ा सा पका लेना है क्योंकि हम इसको मसाले में ज़्यादा देर नहीं पकाने वाले। मसाला अच्छे से पक चुका है तो ये मैंने रख दिए हैं, ढक्कन लगा देती हूँ बस। और साथ में छील रही थी मैं ये अनार सुबह खाने के लिए ब्रेकफास्ट के साथ। और ना ये साथ में छिलते हुए मैं देखिए, मैंने ना अपना एक मिनी डस्टबिन बनाया हुआ है, किचन डस्टबिन। तो ये आते हैं मशरूम के जो मतलब मशरूम पैक आता है ये कैसे, तो ये जो बॉक्स है ना इसमें ही मशरूम पैक होके आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये बॉक्स आते हैं जैसे अब ये टूट गया है तो इसको चेंज कर लूँगी और दूसरा वाला डाल दूँगी। तो जब तक ये चलता है ना तब तक मैं इसको साइड में ऐसे रख देती हूँ और किचन डस्टबिन की तरह इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, फिर जब ये भर जाता है तो इसको अपने मेन नीचे मेन डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो बस एक ये वाला काम जो है मेरे को इजी लगता है क्योंकि ना बार बार मतलब एक तो यहाँ जैसे गंदा फैल जाता है किचन में, है ना, कहीं भी अगर आप काम करते हैं वहाँ पे कुछ छीला काटी करते हैं तो गंदा गंदा फैल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ले लेती हूँ और इसी पे ही छीलते छीलते इसी पे ही काटते काटते ऐसे डालती जाती हूँ कूड़े को। और बस ईजी लगता है, फिर ऐसे गंदा भी नहीं होता और छोटा सा डस्टबिन मेरा बहुत अच्छा काम करता है ये, तो मुझे बहुत पसंद है। अब ये वाला अनार भी छीलूँगी और कूड़ा इकट्ठा करके फिर डाल दूंगी। और आपको बताऊं, आज ना बच्चे गए हैं स्कूल, जैसा आपको कल बताया था, आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, 8 बजे स्कूल चले गए थे और घर में बस मिस्टर शेफ और मैं, मिस्टर शेफ भी अपने काम पर लगे हुए हैं और मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। बस अब नाश्ता रोटी बनाती हूँ जल्दी से, नीचे भी रोटी देनी है अम्मा बबू को, है ना, और बस नाश्ता करेंगे। अच्छा गाइस, मुझे बताइएगा कि आप लोग को हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट कीजिए प्लीज़। आपके ना कमेंट्स नहीं आते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और मैं ना ब्लॉग रात को अपलोड करती हूँ तो प्लीज़ टाइम निकाल के थोड़ा सा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं मतलब दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाई मतलब कभी ब्लॉग आता है कभी नहीं आता, तो आप लोग ना मतलब साथ छोड़ देते हो, कोई कोई साथ छोड़ देते हैं। तो जो लोग मुझसे कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक, तो उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी। आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो अच्छा, रात को वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग अगर चाहें मतलब अपनी कन्वीनियंट के अनुसार कभी भी आप देख सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश आजकल यही है कि मैं ना पूरे दिन का वीडियो बनाती हूँ और रात को ही अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग पूरे दिन की मेरी एक्टिविटी जो है वो रात को देख लें। और आज जैसे मैंने शुरुआत करी है तो आपको आज ही कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि आपको वीडियो आज ही मिल जाए, है ना। तो मैं डे बाई डे वीडियो बना रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं अपने वीडियोज़ दे रही हूँ ताकि मतलब जो मेरे व्लॉग्स हैं वो आपको देखने को टाइमली मिलते रहें और आप मुझसे कनेक्ट रहें और मैं भी आपसे कनेक्ट रहूं। तो बस यही है। अच्छा चलिए, अभी का काम पूरा करती हूं और फिर आगे की एक्टिविटीज़ जो भी मैं दिन भर करूंगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। चलिए थोड़ी देर, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ मिस्टर शेफ़ क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर शेफ़ ने देखिए आज क्या किया है, इन्होंने आज ना सारा जाल में जो कूड़ा पड़ा था ना वो सारा इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिया है बेचने के लिए। अभी कबाड़ी वाला आएगा तो उसको बेचेंगे। तो यहाँ ना पूरी ढेर मची हुई थी, कूलर ऊपर चढ़ गया और सारा यहाँ पे गंदा हो रहा था, पूरी ढेर मची हुई थी कूड़े की, तो सारा इन्होंने निकाल के इकट्ठा कर लिया है और आज बारी आई है इसको बेचने की। बहुत दिन से ये भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, सोच रहे थे बेचेंगे बेचेंगे पर नहीं हो पा रहा था। तो कल से मिस्टर शेफ़ तगड़े वाले मूड में है काम करने के। और देखिए दरवाज़ा भी ठीक कर दिया है आज, ये ख़राब हो गया था ना तो कल से लगे हुए इस दरवाजे के पीछे, अंदर बाहर सारी
जो ये प्लेट्स वगैरह निकल रही थी, ये देखिए सब ना काम ख़राब हो रखा है यहाँ पे, तो ये हिल हिल कैसा हो गया, दीवार भी खड़ने लगी है। तो इस काम पे लगे थे और आज इस काम पे लग गए। तो भाई बहुत मेहनती हमारे मिस्टर शेफ हैं, कहाँ जरा मैं देखती हूँ। यहाँ तो ऐसा है हाल, कुछ आई थिंक बरामदे की तरफ हैं। तो मिलिए मिस्टर शेफ से, और मिस्टर शेफ कर रहे हैं बरामदे की सफाई। और देखिए कूड़े की गाड़ी की आवाज़ आ रही है। स्वस्थ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। कहाँ है गाड़ी, ये देखिए गाड़ी आ रखी है। भैया भैया क्या करेगा, रुक रुक जा बोलूंगी ना। तो हेलो फ्रेंड्स, अब आपसे मिल रहे हैं दिन में लंच के बाद। लंच वंच हो गया है और देखिए मीशा तो वैसे पहले ही आज थोड़ा ना देर से आई है स्कूल से। इसके ऑटो अंकल ना आज इसको थोड़ा लेट लेके आया है ना, बाकी बच्चों को भी लेने में लेट होगी ही। वैसे ये जल्दी आ जाती है, 1:30 बजे इसकी छुट्टी होती है। और रक्षित भी 3 बजे आ गया था, तो दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और अब मीशा जाएगी ट्यूशन और मैं जाऊँगी अपनी डांस क्लास, और देखती हूँ हो सका तो आज मिलाऊँगी आपको अपने डांस वाले सर से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं डांस क्लास से, और काफ़ी अच्छी रही हमारी डांस क्लास आज भी। और ना सर के ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मसल्स में पेन था, तो इसीलिए आज उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो मैं आपसे किसी आपको ना किसी और दिन मिलवाऊँगी सर से, ठीक है। तो अभी तो मिलिए आप हमारे घर के सर से ये देखिए मिस्टर शेफ से मिलिए। नमस्ते, मतलब आप लोगों को नमस्ते बोल रहे हैं क्या? और मिस्टर शेफ अभी काम करते करते थक गए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर घूमते घूमते इधर आ गए हैं रूम में, देखने की बच्चे क्या कर रहे हैं। और देखिए रित्ती भी आई हुई है, और बहुत दिनों बाद नज़र आई है रित्ती, है ना। रित्ती के एग्ज़ाम चल रहे थे, रित्ती 8th क्लास में है, तो इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, है ना, अभी रिविज़न टेस्ट चल रहे थे, तो इसीलिए वो पढ़ाई में बिजी थी, मशगूल थी। और हाँ, इसके प्री बोर्ड होंगे, है ना, स्कूल में ही होते हैं प्री बोर्ड तुम्हारे, है ना, इनके स्कूल में ही होंगे। और अभी ये पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट वर्क अपना करने में मशगूल है। कौन सा, तेलंगाना का मिला है ना तेरे को भी, बता दे थोड़ा सा। दिखा क्या बनाया, क्या बनाया, क्या गाइस। एक घाघरा नु चोली, ये छोटी सी चोली, घाघरा नु चोली चाहिए। हाँ ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसको चिपकाएगी ये कॉपी के अंदर, और इसमें दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है, तो ऐसे करके ये इसको चिपकाना है। या फिर हम इस दुपट्टे को डिजाइन वगैरह देखकर बना सकते हैं। तेलंगाना का मिलता है, और तेलंगाना वालों को हरियाणा का मिलता है। ऐसा है, हैं? अच्छा, उनको उनको आसान मिल जाता है हरियाणा का, भाषा भी इतनी मुश्किल नहीं है हरियाणा की, है ना, क्या पता उनको मुश्किल लगता हो यार, है ना। और यहाँ अच्छा, देखा मैंने आपको कल बताया था ना गाइस कि मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने इस तरीके से कुछ शिक्षा में ये चलाया हुआ है कि बच्चे सीखें एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में, है ना, तो वही सब इनका चलता है। पता नहीं दिल्ली में क्या सिस्टम है ना, ये तो हरियाणा वालों का है। तो कुछ ये है, देखिए रित्ती खेल रहे तितली से। हरियाणा के सारे स्कूल्स को यही मिल रखा है। हाँ वही, मतलब वही तो कह रही हूँ, स्टेट है ना पूरा हरियाणा एक, तो हरियाणा वालों को यही मिलता है, और तेलंगाना वालों को हरियाणा का मिलता है, तो दिल्ली वालों को पता नहीं कहाँ का मिलता होगा, है ना, दिल्ली का किसको मिलता होगा। हाँ यही तो, दिल्ली वालों को मुझे लग रहा है, लग रहा है, ऐसे नहीं होता, कंफर्म होना चाहिए, लग रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ का मिलता होगा। गाइस दिल्ली वालों को तमिलनाडु का मिलता है। मिशा ने सर्च कर लिया अभी गूगल से, और मिलता है दिल्ली वालों को तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, और तमिलनाडु वालों को दिल्ली का मिलता होगा फिर, है ना। तुम्हें क्या पीपीटी, क्या पीपीटी, क्या होता है, स्लाइड्स बनानी होती है, कंप्यूटर में। अच्छा, इन्हें इन्हें इनको इस तरीके से मिलता है मैनुअल, और इनको मिलता है कंप्यूटर में मिलता है इनको। अच्छा, बड़ी क्लासेस में कंप्यूटर में प्रोजेक्ट करना होता है। ओ तो ये है भाई सिस्टम। अच्छा चलो बढ़िया है, बच्चे कुछ सीखें तो सही। और देखिए हमारे रक्षित का हाल, ठंडी जमीन में यहाँ फौंजी फौंजी खेल रहा है। अरे खड़ा हो जा, तेरे को कितनी देर से बुला रही हूँ, आ जा पढ़ाई करने के लिए, बहुत खेल लिया तूने, चल। देखो मेरे किचन के स्लैब में इसने अपने सारे टॉयज, एक तो बिना गर्दन का भी है,
सारे इसने अपने हल्क मल्क सब यहाँ लटका दिए हैं। देखिए सारे फौजी यहाँ लटका दिए, मतलब भाई ये खाना बनाने की जगह, ये सबके लिए जगह नहीं है यहाँ पे, ये बिना हाथ का है, ये बिना गर्दन का नहीं है, ये इसकी गर्दन का है? अच्छा छोटी सी गर्दन है इसकी, तो मैं सोची बिना गर्दन का है। सो गाइस आपने मम्मी की वीडियो डांस की तो देखी होगी, पर अब मम्मी आपको मेरी डांस की वीडियो दिखाएगी जो मैंने डांस करा है डांस क्लास में, ठीक है? तो गाइस चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रक्षित आज आप एंड करो, बोलो तब तक bye के लिए bye. अरे सीधा बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय, राधे राधे, राधे।